दोस्तों आज था YouTube क्रिएटर कैंप मींस 12 अक्टूबर 2021। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube क्रिएटर कैंप में क्या हुआ, क्या खास चीज़ें हुई, क्या उन्होंने बताया कि कैसे चैनल ग्रो करो, कौन सी गलतियां मतलब सारी चीज़ें उन्होंने बताई आज के इस कैंप के अंदर, और वही चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीनू, आप देख रहे हो चैनल सिमन वर्ल्ड। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कौन कौन सी गलती आजकल के जो न्यू यूट्यूबर्स कर रहे हैं जिनकी वजह से चैनल ग्रो नहीं हो रहा, चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, चैनल पर वॉच टाइम नहीं आ रहा, चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या गलतियाँ कर रहे हैं और जो गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं गलतियों की, उसके बाद अच्छे पॉइंट्स बताऊँगा क्या उन्होंने और बताया था, ठीक है। क्यों काफ़ी सारे यूज़र्स अटैच थे कैंप के अंदर, काफ़ी क्रिएटर्स थे, लेकिन उनके में क्या था कि 1000 सब्सक्राइबर से अबव होना चाहिए था, चैनल मोनेटाइज होना चाहिए था, ये कंडीशंस थी जो कि कई यूज़र्स की नहीं थी, लेकिन वो उनको भी हक है इस चीज़ को जानने की आखिर YouTube क्रिएटर कैंप 2021 में क्या हुआ और क्या उन्होंने बताया। तो इसके अंदर बताते हैं सबसे पहले गलतियाँ जो आप लोग करते हो, जो न्यू क्रिएटर्स हैं वो जो गलतियाँ करते हैं कि व्यूज़ ना आने के चक्कर में वो कॉपीराइट कंटेंट उठा लेते हैं या फिर कुछ इस टाइप का डाल देते हैं जो कि पहले से किसी ने डाल रखा है, उसको अगर उठा के डालते तो उस पर नहीं आते, ठीक है, उस पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, उससे कभी भी आप ग्रो नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी जो उन्होंने चीज़ बताई, दूसरी चीज़ ये बताई कि आप जो टैग्स हैं टैग्स नहीं लगाते हो, या आपके चैनल का नाम इस टाइप से है कि उस टाइप के बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम है सेव मनी वर्ल्ड, अगर आप सर्च करोगे तो सिंगल चैनल आएगा ही, ठीक है। अब आप अमित बड़ाना के नाम से चेक करोगे तो हज़ारों चैनल हैं, तो वो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मेन रीच मिलती है वो सिर्फ जो ओरिजिनल चैनल है उसी को मिलती है, ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट चैनल पे कभी भी रीच नहीं आती। यही चीज़ें उन्होंने आज हमें बताई कैंप के अंदर, ठीक है। तीसरी जो चीज़ बताई कि जब भी आप, कई लोग सोचते हैं कि यार कुछ एडिट कर देते हैं किसी कंटेंट में और उसको डाल देते हैं, वो भी यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे भी पकड़ लेता है, तो वो चीज़ भी मत करो, तो उससे भी कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ये तो वो चीज़ें थी जो उन्होंने बताई थी कि अगर आप चैनल ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो रहा है तो आप ये गलती शायद कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ गलतियाँ, जैसे आप सब फॉर सब करते हो, आप किसी को बोलते हो कि मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ, मुझे सब्सक्राइब करो या मेरे चैनल मेरी वीडियोज़ को बार बार देखो, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जो उन्होंने बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो चैनल ग्रो करने के लिए, वो चीज़ें सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत काम आएंगी आने वाले टाइम में। सबसे पहली चीज़ तो आपको हमेशा टैग्स लगाने हैं, ठीक है, और जो आपकी वीडियो की कैटेगरी है उसको देख के सिलेक्ट कीजिए जब भी आप डालते हो उसको। हर एक वीडियो पीपल ब्लॉग्स में मत डालिए, इंटरटेनमेंट कैटेगरी में मत डालिए, जिस चीज़ की वीडियो है, मान लीजिए आपकी वीडियो ट्रैवल से रिलेटेड है तो ट्रैवल वाली कैटेगरी में, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो इंटरटेनमेंट कैटेगरी में डालो, क्योंकि उस यूट्यूब के जो एल्गोरिथम काम इस तरीके से करता है कि जिस कैटेगरी में आप डालते हो उसी कैटेगरी के लोग देखते हैं। अगर आपकी वीडियो मान लीजिए ट्रैवल से रिलेटेड, आप उसको इंटरटेनमेंट में डाल रहे हो तो एक दो लोग देखेंगे, उसके बाद देखना बंद कर देंगे, तो यूट्यूब कहाँ से व्यूज़ भेजेगा, कहाँ से इंप्रेशन भेजेगा आपकी वीडियो पे। लेकिन अगर उसी जगह पे आप ट्रैवल वाली वीडियो को ट्रैवल कैटेगरी में डालते हो तो आपको लाखों यूज़र्स मिलते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो लोग देखेंगे भी, ठीक है। एक तो उन्होंने ये चीज़ बताई, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, जब भी आप यूज़ करते हो तो टैग्स अपने चैनल का नाम और आपका नाम टैग्स में, हर एक टैग में लगा होना कंपलसरी, अगर ये नहीं लगा तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तीसरी जो चीज़ उन्होंने बताई कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपके चैनल पर व्यूज़ आए ना आए आपको रेगुलर कंटेंट डालना है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो अगर आप रेगुलर कंटेंट डालते हो आपकी हैबिट बन जाएगी डालने की, ठीक है, जो दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं वो ग्रो होंगी। आप देखोगे जो पहली वीडियो डाली उसमें कुछ कमी थी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इम्प्रूव हुआ, थर्ड फोर्थ, जैसे जैसे आप डालते जाओगे, मान लीजिए 100 वीडियोस डालने के बाद आप इम्प्रूव हो जाते हो, आपको ट्रैफिक मिल जाता है, कुछ कभी भी हो सकता है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले दिन ही हो जाएगा, इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कंटेंट और क्या आप डाल रहे हो यूट्यूब पर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ उन्होंने बताई, अगर आप चैनल ग्रो करना चाहते हो तो कोशिश करो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। लाइक अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी सरकारी DNA के ऊपर, जो चैनल मतलब एक तरीके से डिलीट ही कर दिया यूट्यूब ने अपने सर्वर से, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इंप्रेशंस की बात करूँ तो 5000 लोगों ने इंप्रेशन यूट्यूब ने 5000 लोगों को दिखाया है, जिसमें से मेरे कंटेंट में कुछ कमी होगी शायद, इस वजह से यूजर्स कम आए, तो हो सकता है मैं भी आगे उस चीज़ को देख रहा हूँ, उस पर कोशिश कर रहा हूँ। जो कोशिश करो, उनका कहने का मतलब मेन तो यही है कि आप कोशिश करो कि जो
ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाओ, तो आपका जल्दी ग्रो होने के चांसेस हैं, वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हो। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने की थी इसके अंदर। बाकी उसके बाद बड़े बड़े क्रिएटर्स थे जिन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया कि स्टार्ट कैसे किया उन्होंने, क्या दिक्कतें आई, क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, काफ़ी सारी बातें की। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो इतनी ही थी जो मैंने आपको बता दी। तो यही था आज के क्रिएटर कैंप में। और अगर आपको भी मौका मिलता है ना इस टाइप के कैंप ज्वाइन करने का तो ज़रूर करो, फ्री होते हैं, कोई इनका पैसा नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। फ्यूचर में आपको हो सकता है कि बहुत कुछ प्रोवाइड कर देंगे अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो अपने चैनल के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बातें थी आज के क्रिएटर कैंप 2021 में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्यूरी हो किसी भी टाइप की तो कमेंट कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।